तो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली बोट राइड पे। हम लोग गोंडा बीच पे हैं और यहाँ पे हमें मिले हैं, इनका नाम है नितेश। नितेश तो अभी हम लोग हैं बटरफ्लाई बीच पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्चुअली गोवा आने का प्लान क्यों बनाए थे। Hey guys, good morning. Good morning to you all. तो आज डे 3 है, हम लोग एगोंडा बीच में ही मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। काफ़ी शांत जगह है और आप देख पा रहे हो ना, आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं। लेकिन यहाँ पे सुबह सुबह हमें ढेर सारे बर्ड्स भी दिखे, अच्छा लगा। देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स वगैरह ही है, फिशरमैन बोट्स और नॉर्मल बोट्स। कुछ लोग जा रहे हैं बोट्स पे और कहीं पे शायद जाने वाले हैं, तो हम लोग पता करेंगे तो क्या क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिलहाल तो बोटिंग वॉक कर रहे हैं, फिर अपडेट करते हैं आपको। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग गोंडा बीच पे हैं और यहाँ पे हमें मिले हैं, इनका नाम है नितेश। नितेश और ये यहाँ पे आपको बोट्स वगैरह की राइड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये नितेश बताएंगे कि क्या क्या राइड्स है यहाँ पे, क्या क्या देखने की चीज़ें हैं। जो आप जब आप यहाँ आओ तो इनसे ज़रूर मिलो, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेस्ट प्राइस पे आपको ये राइड्स ऑफर करेंगे आप अगर हमारे चैनल का रेफरेंस देते हो इनको तो। हाँ नितेश, बताइए क्या क्या आप यहाँ पे देखने को है। यहाँ पे एक जैसे बैक वाटर है, रिवर ट्रिप है, हम लोग उसमें रिवर ट्रिप करते हैं। उसमें वराइटीज ऑफ बर्ड्स यू कैन सी, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स लाइक ईग्रेट्स, हेरन्स, ब्लैक ड्रोंगो, कॉर्मोरान्स एंड ग्रीन बीटर्स लाइक दैट, हॉर्नबिल्स ऑल्सो यू कैन सी देयर, woodpeckers also, golden back woodpeckers are there, and the peacocks and so on. Okay, you can see there, and it's a nature trip, and we are not using the motorboat inside, it's with paddle boat, so it's very quiet and very relaxing. Yeah, and apart from that we do the sea trip also as well, for watching dolphins, butterfly beach, honeymoon beach, and sea treatments including this thing also we do, like Kola beach, going to Kola beach, Little Kola, Kakolem beach. They are nice beaches too, but this is one package we do, like dolphin, butterfly beach, honeymoon beach, and there are some rock formation also. Okay. To see, like turtle stone is there, monkey head stone is there, crocodile stone is there, and dog head stones are there, and stones like toe, one stone is looks like toe is there, and there are so many other rocks to see, like rock formations are there. Yeah. तो गाइस एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, आप जाओ या ना जाओ एक बार आके इनसे मिल लेना, तो ये आपको और बढ़िया से बता पाएंगे, और देन यू कैन डिसाइड टू हैव अ ट्रिप आइदर आइलैंड और रिवर, वॉट एवर इट इज, यू विल हैव अ फुल फन विद दिस ट्रिप्स। हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली बोट राइड पे। क्या क्या देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू नितेश भाई, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बटरफ्लाई बीच है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जो देखने लायक है। तो चलिए इसे कवर करते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा एगोंडा बीच में बोट राइड पे। तो इस बोट पे हमें जाना है अभी। तो अभी हम लोग हैं बटरफ्लाई बीच में, बोट करके यहाँ पे आए हैं
एक्चुअली यहाँ पे बोट से ही आपको आना है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है आपको आने का। बटरफ्लाई बीच में शायद माउंटेन से आप होके आ सकते हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास माउंटेन से, आप देख रहे हो ना माउंटेन्स, तो माउंटेन से आप आ सकते हो और बोट से आप आ सकते हो। लेकिन व्हीकल नहीं आएगा, व्हीकल आपको बहुत दूरी पार करना पड़ेगा। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल लग रहा है ना ऐसे ही। देखना है मुझे, एक्चुअली सी फूड खाना है, ऑथेंटिक गोवन क्विज़ीन मुझे हम लोग जा रहे हैं चेक करना है। हे गाइस, तो ये है वो रेस्टोरेंट, काफ़ी छोटा है लेकिन आप देख पा रहे हो पार्किंग अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खाना मिला जो ऑथेंटिक गोवा क्विजीन अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट वन, भंडेकर बारन रेस्टोरेंट, और ये अगोंडा में आपको मिलेगा। ठीक है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। फूड के बारे में तो मैंने आपको बताया कि इतना टेस्टी था, आप अगर फिश लवर हो तो इसे ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत आपको ये लग सकता है कि हाँ इतना लैविश यू नो एम्बियंस नहीं है, आपको बीच साइड नहीं है या वगैरह वगैरह, अगर इन दैट केस फिर आप वो दूसरा रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हो, लेकिन हमें क्या था, हमें टेस्ट चाहिए था तो इसलिए हमने खाना है तो आपको थोड़ा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा एम्बियंस के साथ। यहाँ के लोकल जो लोग होते हैं दे आर नॉट बॉन्ड टू सो मच ऑफ शो ऑफ, एक्चुअली एम्बियंस इज व्हाट जस्ट अ शो ऑफ, यस अच्छा दिखना है ताकि अच्छा दिखना है। हाँ सो ये लोग जो है थोड़ा इसे हटके हैं, ये लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, खाने का टेस्ट अच्छा हो, बंदा एक बार खाए तो दोबारा आए आए, वही तो वही इनका फोकस है। इनका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, काफ़ी रीजनेबल। एक थाली जस्ट हमें स्पेशल थाली हमने लिया था, ज़्यादा वो वहाँ पे फीस वगैरह आपको मिलेगा उसमें 250 रुपीज़ था, अगर आप स्पेशल थाली नहीं है 120। हाँ जस्ट 120 नॉर्मल प्राइस पे आपको यहाँ पे एक क्वालिटी खाना मिल रहा है। यस वो चीज़ आपको देखना होगा कि आपको क्वालिटी का चाहिए तो MS छोड़ो और थोड़ा क्वालिटी खाने का टेस्ट रखो, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो इन योर ट्रैवलिंग राइट, सो यू हैव टू टेस्ट द लोकल फूड। जहाँ पर भी ट्रैवल आपको चिकन टिक्का टक्का कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन जो ऑथेंटिक खाना होता है ना वो आपको ऑथेंटिक जगह से ही मिलेगा। द गूगल मैप लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक एंड डू विजिट। हाँ अगर आप एगोंडा आ रहे हो, साउथ गोवा में हो, जरूर चेकआउट करना। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्चुअली गोवा आने का प्लान क्यों बनाए थे, तो वजह है ये, देख लो। तो हमारा है 5th ईयर मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है 5 साल कंप्लीट कर रहे हैं आज के दिन, तो इसलिए हमने वो सारा अरेंजमेंट्स करने के लिए बोले थे कॉटेज वाले को, मतलब बीच में ही हम लोग बैठे हैं और यहीं पे हमारा कैंडल लाइट डिनर होगा। तो केक भी है, देखो आप केक भी लगा हुआ है, कैंडल्स है, बैलून्स भी है, खाना भी लगने वाला है, तो
आज का नाइट तो कुछ खास होने वाला है, तो इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। तो आप लोग अगर कुछ स्पेशल ओकेशन के लिए अगर आ रहे हैं, किसी का बर्थडे है या फिर आप मैरिज एनिवर्सरी या फिर आप कोई भी एनिवर्सरी, कोई भी सेलिब्रेशन आप करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में ये अवेलेबल है। बिलून भाग रहा है। कोई भी सेलिब्रेशन अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यू नीड टू रिक्वेस्ट देम और वो अरेंज कर देंगे एट नॉमिनल कॉस्ट ऑल दिस थिंग्स फॉर यू एंड यू कैन एंजॉय योर इवनिंग। तो हम लोग अभी एंजॉय करते हैं फिलहाल। तो आज के लिए डे 3 यहीं पे एंड होता है और आपको छोड़ जाते हैं इस ब्यूटीफुल अरेंजमेंट के एक वॉक अराउंड के साथ। यस।